शेलोस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जैपनीज फिल्म जिसका नाम है माय ब्लड एंड बोन्स फ्लोइंग इन अ गैलेक्सी। दोस्तों, इस मूवी का मेन कैरेक्टर कियोसुमी अपने आसपास के लोगों के लिए एक रियल लाइफ हीरो बनकर उनकी मदद करना चाहता था। फिल्म के अंदर वो हारी नाम की क्लासमेट को पुलिस से बचाता है और उसे डट कर उन लोगों का सामना करने की हिम्मत देता है। तो स्टार्ट करते हैं फिल्म के फर्स्ट सीन के साथ। जहाँ कियो नाम का हाई स्कूल स्टूडेंट अपने थर्ड ईयर की एकेडमिक सेरेमनी के लिए पहुँचने में लेट हो गया था। फाइनली स्कूल पहुँचते ही वो चुपचाप लाइन में पीछे की तरफ खड़ा हो जाता है। तभी उसकी नज़र फर्स्ट ईयर की एक गर्ल स्टूडेंट के ऊपर पड़ती है जिसे कुछ लड़के असेंबली में बुली कर रहे थे। इस लड़की का नाम हारी कुरामोतो बताया जाता है। हारी का फेस उसके लंबे बालों से ढका हुआ था और उसके साइड वाली रो के स्टूडेंट्स उसके ऊपर कागजों को मोड़ कर ऐसे फेंक रहे थे जैसे कि वो कोई डस्टबिन हो। बेचारी हारी सिर झुकाकर चुपचाप ये सब सह रही थी। कुछ देर बाद कियो उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, मगर तभी वो अचानक चीखने लगती है और सारे स्टूडेंट्स उनकी तरफ देखते हैं। कियो उसके रिएक्शन से हैरान था, मगर वो फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। अगले सीन में जब कियो लंच कर रहा था तो ओजाकी नाम की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट उसके पास आकर उसे बताती है कि सुबह जब से तुमने उस लड़की की मदद की थी तब से सब तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके हुलिये की वजह से क्लासमेट उस लड़की को डेमन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बुली करते थे। ये सुनने के बाद कियो हारी के क्लासरूम में जाता है और वो देखता है कि इस वक्त भी कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे और एक लड़का उसके चेयर को लात मार कर गिरा देता है। ये देखते ही कियो उसके पास जाकर उसके सीट को सही से वापस लगा देता है। यहाँ कोई कियो से इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो पढ़ाई में काफी अच्छा था और उसके बहुत सारे दोस्त भी थे। लड़कियाँ भी उसकी पर्सनैलिटी को काफी पसंद करती थी। अगले सीन में स्कूल कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ खाना खाते वक्त जब कियो को उनके साथ बैठी एक लड़की से पता चलता है कि कुछ बुली रेस्ट रूम में जमा होकर बच्चों को बुली किया करते थे तो उसे हारी की चिंता हो रही थी। कुछ देर बाद कियो बहुत जोर से टॉयलेट की तरफ भागता है। जब वो गर्ल्स टॉयलेट में जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो टॉयलेट की दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर से झांकता है तो वहाँ उसे हारी बैठी हुई दिखती है। वो ठंडे पानी में भीगी हुई थी और कांप रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके साइड में इस रूम की चाबी भी पड़ी हुई थी, मगर उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि वो ऐसी हालत में घर नहीं जाना चाहती थी। कियो उसे टॉयलेट से बाहर आने के लिए मना लेता है और उसे अपनी जैकेट पहनने के लिए देता है। इसके बाद वो सीधा उसे अपनी आंट के पास ले जाकर उन्हें उसके बारे में सब कुछ बताता है। हारी के बारे में जानने के बाद उसकी आंट को उस बेचारी के लिए बहुत बुरा फील होता है और क्योंकि वो लॉन्ड्री का काम करती थी इसलिए वो हारी के कपड़े ड्राई कर देती है। इसके बाद कियो हारी के साथ अपने घर जाकर उसे गर्मा गर्म नूडल्स खाने के लिए देता है। वो हारी को ऑब्जर्व कर रहा था और उसके हिसाब से हारी कोई डेमन नहीं बल्कि बाकी लड़कियों की तरह एक स्वीट लड़की थी। हारी कियो से उसकी मदद के लिए थैंक यू कहती है और उसकी तरह बहादुर बनने के लिए टिप्स मांगती है। जवाब में कियो उसे अपने बालों को पीछे रखने का सुझाव देता है। हारी को घर वापस छोड़ते वक्त वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हारी उसे अपनी मोम के बारे में बताती है कि उसकी मोम तभी से उससे दूर हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी। वो कहती है कि मेरी मोम को किसी यूएफओ ने गायब कर दिया था, तभी से वो अपने डैड और ग्रैंडमदर के साथ रहती है। उसके ये बात कियो को ठीक से समझ तो नहीं आती, मगर उसकी हकीकत जानने के बाद वो उसे एक हीरो की तरह कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे याद करना। वो हीरोज को लेकर इतना पागल था कि वो उसके सामने
सामने हीरो की तरह पोज मारने लगता है, जिसे देखकर हारी जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह खुश होता देखकर कियो को भी अच्छा महसूस होता है। अगले दिन जब कियो अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तो उसकी आंट वहाँ उसे हारी के लिए पीनट केक ले जाने को देती है। दोस्तों, यहाँ उसकी आंट बताती है कि जब हारी ने उन्हें अपने कपड़े सुखाने के लिए दिए थे, तो मैंने उस बेचारी बच्ची के शरीर पे चोट के निशान देखे थे, इसलिए वो कियो को उसका ध्यान रखने के लिए भी कहती है। कियो रास्ते में हारी का इंतजार करता है और उसके आते ही उसे वो लंच बॉक्स देता है। उस दिन भी हारी को उसके क्लासमेट्स बुली कर रहे थे और इस बार ओजाकी उसे डिफेंड करती है, मगर उन बुलिस पे इसका कोई असर नहीं हुआ और उनमें से एक लड़का उसकी तरफ वो पीनट केक फेंकने ही वाला था, लेकिन इस बार हारी जोर से चीख कर खुद के लिए आवाज उठाने की कोशिश करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उन पुलिस पे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो जोर से हारी की तरफ केक फेंकता है। और तभी कियो हारी के सामने आ जाता है और वो केक उसके नाक पे जाकर लगता है। दोस्तों, ये थ्रो इतना तेज था कि कियो के नाक से खून निकल रहा था। हारी और कियो दोनों मेडिकल रूम में जाते हैं। वहाँ कियो हारी को उसके डेट से उन पुलिस की कंप्लेंट करने की बात कहता है, मगर वो अपने डेट को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे उनसे डर लगता था। वो खुद हिम्मत जुटाकर उन पुलिस का सामना करती थी। ये सुनने के बाद कियो उसकी फैमिली को लेकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भला हारी अपने डेट से इतना क्यों डरती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने तक इनकी दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत होने लगी। कियो हर रोज स्कूल जाने के लिए रास्ते में हारी का इंतजार करता था और फिर ये दोनों साथ ही स्कूल जाते थे। एक दिन जब कियो और हारी साथ में स्कूल जा रहे थे, तभी वहाँ ओजाकी आकर हारी को एक लॉलीपॉप देती है। और जब हारी उस लॉलीपॉप को खाने जा ही रही थी, तभी कियो की नजर उसके कलाई के पास चोट के निशान पे पड़ती है। क्लास में आकर कियो अपने दोस्त से उसकी कलाई को जोर से पकड़ने के लिए कहता है और उसके दोस्त के ऐसा करने के बाद उसके हाथ पे भी वैसा ही निशान दिख रहा था जैसा कि उसने हारी के हाथ पे देखा था। अब कियो पूरी रात हारी के बारे में ही सोच रहा था। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल जा रहे थे, तो हारी कियो से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मैथ में अच्छा स्कोर करने में उसकी मदद करे। कियो इस बात के लिए तुरंत हाँ करके दिन में उसे अपने घर बुलाता है। दिन में हारी को घर पे देखकर कियो की मॉम बहुत एक्साइटेड नजर आती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कियो ने किसी लड़की को अपने घर पे इनवाइट किया था। दोनों पढ़ाई करते हैं और शाम को कियो की मॉम हारी को छोड़ने जाती है, मगर रास्ते में हारी को उसके डैड की कार दिखाई देती है और हारी कार से उतरकर अपने डैड के पास जाती है। इस सीन में उसके डैड के फेस पे अपनी बेटी से मिलने की कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। और जब वो लोग कार में बैठने जा रहे थे, तभी कियो की मॉम हारी के डैड से हारी की ग्रैंड मदर का हाल चाल पूछती है, मगर हारी के डैड इस बात से नाराज थे कि हारी ने उन्हें फैमिली इश्यूज के बारे में सब कुछ बता दिया था। कियो की मॉम उन्हें कहती है कि घर के बुजुर्ग सदस्य का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता होगा, मगर उनकी इस बात का जवाब हारी के डैड ये कहकर देते हैं कि हारी की ग्रैंड मदर बिल्कुल ठीक है और इस वक्त वो नर्सिंग होम में है। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है, जहाँ कियो हमेशा की तरह रास्ते में हारी का इंतजार करता है, मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी हारी वहाँ नहीं आई थी, इसलिए कियो को उसकी चिंता हो रही थी। वो भागकर स्कूल जाता है और वहाँ वो देखता है कि हारी अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और उसने अपने चेहरे को पहले की तरह बालों से ढका हुआ था। वो कियो को पूरी तरह इग्नोर करती है। अगले दिन सुबह स्कूल आकर कियो उसके शूज लॉकर में अपनी आंट का दिया केक रख देता है, क्योंकि हारी कियो से कोई बात नहीं कर रही थी, मगर छुट्टी के वक्त हारी अपने लॉकर से लंच बॉक्स निकाल कर वापिस कियो के लॉकर में रखने लगती है। और इसी बीच जैसे ही हारी की नजर साइड में खड़े कियो पे पड़ती है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। कियो और ओजाकी दोनों हारी को रोकने की कोशिश करते हैं और कियो उसे लंच बॉक्स एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट करता है, मगर हारी उनकी बात नहीं सुन रही थी। कियो को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अचानक हारी उसे इग्नोर कर रही थी।
इसके बाद शाम को कियो हारी के घर बाहर आकर उसे जोर से आवाज लगाने लगता है, मगर हारी तो क्या कोई बाहर नहीं आता और आखिरकार वो अपने घर वापस जाने लगता है। रास्ते में कियो को याद आता है कि हारी ने एक बार उसे यूएफओ के बारे में बताया था, इसलिए कियो कैसे भी करके उस यूएफओ को डिस्ट्रॉय करके हारी को बचाना चाहता था। उसी रात को जब कियो अपने स्टडी टेबल पे बैठ कर पढ़ रहा होता है, तभी उसे हारी की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से नीचे देखता है तो उसे हारी दिखाई देती है और कियो फटाफट नीचे जाकर दरवाजा खोलता है और यहाँ हारी ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। वो उसे बताती है कि तुम्हारी और तुम्हारी मोम की जान को खतरा है, मेरे डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही कियो लाइट ऑन करता है और उसके चेहरे की हालत देखकर शॉक हो जाता है। दोस्तों, हारी के फेस पे ब्लड और इंजरीज के निशान थे। वो उसे बताती है कि मेरे डैड बहुत गुस्सेल आदमी है, उन्होंने मुझसे तुम्हारा एड्रेस पूछा था मगर मैंने उन्हें गलत एड्रेस बताया था। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम यहाँ से दूर चले जाओ, वरना आज नहीं तो कल उन्हें तुम्हारा एड्रेस पता चल ही जाएगा। वो वहाँ से जाने ही वाली थी मगर कियो उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुश था। फाइनली उसने अपनी चुप्पी तोड़ कर अपने डर को हरा दिया। वो कहता है कि हम दोनों मिलकर यूएफओ को हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, हारी ने जिस यूएफओ की बात की थी वो अपने डैड की ओर इशारा कर रही थी। तभी अचानक हारी रोते रोते कियो को बताती है कि मेरे डैड ने मेरी ग्रैंडमदर को जान से मारकर उन्हें एक सूटकेस में बंद करके तालाब में फेंक दिया था। उसे रोता देखकर कियो एक हीरो की तरह उसे शांत करने की कोशिश करता है और कियो साइकिल चलाकर हारी के साथ उसी तालाब में जाकर उनकी बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है। कियो को कुछ देर बाद एक सूटकेस दिखता है जिसे खोलने के बाद पता चलता है कि वो खाली था, मगर उसमें हारी को उसकी मोम का इयररिंग मिलता है, जिसे देखकर हारी को याद आता है कि जब उसकी मोम आखिरी बार उसे छोड़कर गई थी तो उन्होंने वही इयररिंग पहने हुए थे। ये सब देखकर हारी की हालत खराब हो जाती है और वो रोने लगती है। कियो उसे हिम्मत देता है और वो पुलिस को फोन करके इस बात की खबर देते हैं। और जब वो दोनों हारी के घर पहुंचते हैं, तभी अचानक हारी के डैड कियो के ऊपर एक गोल स्टिक से जोरदार हमला करते हैं और कियो नीचे गिर जाता है। उसके डैड एक साइको की तरह न सिर्फ कियो बल्कि अपनी बेटी हारी को भी उसी गोल स्टिक से मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी कियो के सामने हारी को पेट्रोल डालकर घर को जलाने जा रहा था। कियो हारी की तरफ देखकर रो रहा था क्योंकि वो एक हीरो की तरह अपनी दोस्त को बचाने में नाकामयाब हो गया था। मगर हारी अपने हाथ को उठाकर ऊपर की तरफ इशारा करती है, जिसका मतलब ये था कि उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। इसके बाद हारी अपने डैड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए साइड में अपनी मोम की रिंग फेंकती है। उसके डैड उस रिंग को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और मौका पाते ही हारी अपने डैड को स्टिक से मार कर उनपे तब तक वार करती है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। अगले सीन में हम हारी और कियो को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पुलिस इनसे बात करके सबूत इकट्ठे करते हैं। उनकी जानकारी के हिसाब से उन्हें तालाब में हारी की ग्रैंड मदर की डेड बॉडी मिलती है। हारी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भूलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। कुछ दिन बाद कियो भी पहले की तरह अपनी स्कूल लाइफ शुरू करता है, मगर उसे कई बार हारी की याद आती थी क्योंकि उस दिन के बाद से उसने हारी को कभी नहीं देखा। ऐसे ही 2 साल का सीन दिखाया जाता है। अब कियो की स्कूलिंग पूरी हो चुकी थी और वो यूनिवर्सिटी जाने लगा था। रास्ते में सरप्राइजिंगली उसकी मुलाकात एक नई हारी से होती है जो पहले से काफी अलग लग रही थी और उसने अपने बाल भी बांधे हुए थे। कियो उससे वापस मिलकर बहुत खुश होता है और ये दोनों शादी करके एक साथ रहने लगते हैं। कुछ वक्त बाद के सीन में हम देखते हैं कि हारी अब प्रेग्नेंट थी और उस दिन वो हॉस्पिटल में बेबी की डिलीवरी के वक्त बहुत दर्द में थी। मगर दूसरी तरफ कियो की कार ट्रैफिक में फंसी हुई थी और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। कियो को पता चलता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसके अंदर अचानक एक बार फिर हीरो बनने की इच्छा
जाग उठती है और वो नदी में छलांग लगाकर नदी में डूबने से उन लोगों को बचा लेता है। मगर बदकिस्मती से अचानक तेज हुए बहाव की वजह से वो खुद उस नदी में डूब जाता है। हारी को अकेले ही अपने न्यूबॉर्न बेबी का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हारी अपने बेटे को उसके डैड की हीरो बनने की विश के बारे में बताती है। उनका बेटा बड़ा हो चुका था और वो भी बिल्कुल अपने डैड कियो की तरह सुपर हीरो वाला पोज करता है और हारी को उसे देखकर कियो की याद आती है और वो पहले की तरह हंसने लगती है। और इसी के साथ आज ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा और आपका साथ आगे भी बना रहे।